करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै पै मांगू, देहो अपना नाम। परम सन्मान युग सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी प्यार वाले वडभागे हो गुरु की गोद च बैठ के सतगुर के चरणों नाल जुड़े हो अमृतमई गुरबाणी का कीर्तन आपने सरवण किया है। उस तो उपरंत जो रोजाना की तरह आप जी इतिहास की विचार सरवण करते आ रहे हो, आओ प्यार उस लड़ी में आरंभ करने तो पहला गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। देहो आसीस प्यार नाल आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल आप इतिहास विचारिया सी जिस वेले कौम के महान योध्या ने बहुत सारिया मल्लां मारिया ने, भावें कि उन्होंने उपर लखपत राय जिया खान का बड़ा कहर गुजर चुका है, छोटा कल्लू घर वापर चुका सी, पर सब तो वड्डी गल सी सिखां दा हौसला तोड़न की कोशिश जिहड़ी सरकार कर रही थी जिन्हों तोड़ नहीं सके। एक मकसद सी भी जो वह सोचते भी जे सिखां दा हौसला तोड़िया जाए तो इन्होंने अपने आप दे घरे बह जाना है, तो इन्होंने शस्त्र रख देने। वो हौसला बुलंद करके जूझते रहे तो सरकार नू अपने अगे लाई रखते रहे। इस तरह आप जिक्र कल किया फिर योध्या ने समा बना के 1747 दे विच राम रौनी जिन्हों रामगढ़ कहिंदे ने उत्थों का जिहड़ा जथेदार बनाया, जो उस वेले ईचोगिल का रहने वाला, ईचोगिल जिहड़ा लाहौर का स्थान आ, ईचोगिल जिहड़ा आ एक ईचो एक पिंड का ना आ, और इतों के वसनीक एक गिल वसनीक ने इस नगर नूं वसाया सी। वो बाद च उहदा नाम ईचोगिल बण होण करके उत्थों के बहुत ही सत्कारयोग छेवें पातशाह वेले दे सिख रहे भाई लोहारा जी। भाई लोहारा जी जड़े ने उन्होंने अगों पुत्र बिधी चंद होए। ये बिधी चंद वो नहीं है जो छेवें पातशाह वेले सीगे घोड़े लियाउण वाले, ये होर सन। और बिधी चंद दा पुत्र अगों भगवान सिंह होए ने, भगवान सिंह दे अगों पुत्र होए ने पंज पुत्र, उन्हां चों सब तो वड्डे सी सरदार जसा सिंह जिन्हों जसा सिंह रामगढ़िया कहिंदे ने। ये 1721 24 जन्मिया सीगा, और ये नवाब कपूर सिंह दे कोल आए सन उदों 16 साल के सीगे जदों इन्हां दे पिता भगवान सिंह चढ़ाई कर गए सी, वह शहीद होए सी जदों नादर शाह चढ़ के आया सी ना, उदों नादर शाह नाल होए मुकाबले विच जसा सिंह रामगढ़ी दे पिता भगवान सिंह जिहड़े सी शहीद होए सीगे। और वह 16 साल की उम्र जसा सिंह रामगढ़िया इस कौम के हर एक दर्दनाक हादसे च गुजर चुका सीगा, और इनू रामगढ़ीए वह रामगढ़ राम रौनी जिहड़ा स्थान रामसर लागे बनाया सी, अज वो मौजूद नहीं है। तो वह उदो जिक्र करांगे भी वह कित्थे गया सी, वह आपां अगले हमले जिहड़े अबदाली दे होणे उच्च सांझा कर देंगे भी ये कित्थे चला खांदा है जिहड़ा रामगढ़ किला बनाया सीगा। एक छोटी जी उदाहरण दे दिंदा, गुरु रामदास पातशाह जी दे नाम ते हुण तक शायद सानू इस गल दा पता ना पता होवेगा, पर गुरु रामदास पातशाह जी दे नाम दे उत्ते शस्त्र का नाम ही रखिया गया, किले का नाम ही रखिया गया। जिमें बाबा दीप सिंह दे कोल एक पिस्तौल सीगा, उनू राम जंगा कहिंदे सीगा, वो राम जंगा है ना तो उहदा होर सी, पर बाबा दीप सिंह ने उहदा अद्धा नाम गुरु रामदास साहिब दे नाम ते रखिया सी राम जंगा। जिहड़ा किला बनाया उहदा नाम राम रौनी रखिया गया। इस तरह ही सतगुरु रामदास पातशाह जी दे इस पवित्र स्थान के लागे ही रौनी पाव रामगढ़ बनया गया। उस तो बाद हुण जिहड़ा लाहौर का थोड़ा जिहा कन्फ्यूज़न होयो, जे कितें नाम ही समझ आवे तो जदों मर्जी पुछ सकदे हो, पर हुण इस गल का थोड़ा जिहा ख्याल रखो कि हुण अबदाली ने आउणा है तो सिखां दे नाल उहदा नाता जुड़ना है, तो अबदाली का हिंदुस्तान आउण दा की कारण सीगा। जिहड़ा नादर शाह जदों इत्थों हमला करके गया ना 1747 दे विच रात दे समय 8 ते 9 जून की रात 1747 नूं नादर शाह सुत्ता सीगा। अबदाली जिहड़ा बड़े समय तो नादर शाह का गुलाम रहा है, और इन्ना चलाक सी, इन्ना शातर दिमाग अबदाली सी भी उहदे कोल रह के सारे भेत लै गया उहदे, उहने उहदे भतीजियां नूं गंढ लिया अपने नाल, नादर शाह दे भतीजियां
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਲਾਲਚਵੱਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲੱਦ ਕੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਈਆ ਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਈਆ ਖਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਕੜੀ ਜੁੜਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਈਆ ਖਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਈਆ ਖਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਮੂਦੀਨ। ਇਹ ਜਈਆ ਖਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਈਆ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਦਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਬੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡਰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਸਦ ਭੇਜਿਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਅਬਦਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਨਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕਮਰੂਦੀਨ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਔਫਰ ਕਰਤੀ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਾ।
इस गल की खबर अबदाली में पहुँच गई। उन्हें अपना एक शख्स भेजा, उसका नाम सी साबर शाह। जिहड़ा साबर शाह बंदा सी कौन सीगा सुनियो, साबर शाह दे वड्डे वडेरे दादे पड़दादे लाहौर दे विच घोड़ियां दे हकीम सीगे, वैद सी। और इन्हां दे ये दोवें भरा जिहड़े दादे पड़दादे सी इन्हां दे साबर शाह दे बड़े रब्बी खुदा नाल जुड़े हुए बंदे सीगे, फकीरी सुभाव वाले सी। कहिंदे वी जदों लाहौर चों काबल उठ के गए ना, ये उत्थे जाके दरवेश हो गए सीगे। इन्हें खुदा ना नेड़े जुड़ गए भी इन्हां दी हर गल पूरी होण लगी। अबदाली ने साबर शाहियां दे जिहड़े वड्डे वडेरे सीगे साबर शाह दे, उन्हां दे कोलों असीस मिली सी बादशाह बनन दी, जिहदे करके अबदाली साबर शाह दे परिवार दी ओह साबर शाह दी बड़ी इज्जत करदा सी, बड़ा सत्कार दिंदा सी। ते इह वादा कीता सी अबदाली ने साबर शाह नाल कि मैं तुहाडे खानदान विच्चों कोई ना कोई तेरा पुत्र जां तेरा पोतरा होवे वो अपने नाल अपनी फौज में मेरा मैं भी रखांगा, मेरा पुत्र भी रखेगा, तो रखांगा तैनू सजी बाह बना के नेड़े करे। हुण उन्हें अपने अबदाली ने बड़े नज़दीकी बने साबर शाह नू दिल्ली विच लाहौर विच भेजिया भी तू हुण उन्हू कह शाह नवाज नू भी अपनी दित्ती जुबान ते पक्का रह, संधि जिहड़ी तू कीती ना भी मैं तू जिहड़ी दिल्ली ते तू हमला करना हिंदुस्तान ते हमला करना उह च साथ देना सी शाह नवाज ने अबदाली का। पर कहिंदे ने हुण शाह नवाज मुकरन लगा, उन्हें की कीता जिहड़ा संधि करन वाला जिहड़ा खत लैके बंदा आया साबर शाह, उहदे बारे शाह नवाज ने अफवाह फैला दित्ती भी इह ते बंदा जादूगर आ, इह तां लाहौर दे खजाने नू तोपखाने नू भस्म करन आया। इह दोष ला के साबर शाह दे मूँह विच उहने सिक्का ढाल के पा दित्ता भी गूंगा करदिआं भी जे मैं जिहड़ा झूठ बोल रहा उहदा जिहड़ा सच है किते बोल ना दवे। साबर शाह नू बड़ा तसीहा दित्ता इहने, उह उदां ही अबदाली कोल गया अपना खून ना भरिया मूँह लैके। जदों गया अबदाली ने उस गल का इन्ना को रोह चढ़िया, उन्हें फड़ के लाहौर का एक बार धुआं ही कढ छड़िया आल के, कहिंदे भी वह जो उस वेले तुरिया शाह नवाज नूं पता लगा भी हुण अबदाली तो आएगा लाहौर, ये उत्थों अपना समान चुकिया जिन्ना खजाना पंड बन के तो दिल्ली नूं दौड़ गया शाह नवाज, लाहौर हो गया खाली। हुण इस गल का उन्हूं गुस्सा सी कि मेरे बहुत सत्कारत बंदे दा उन्होंने जो बुरा विहार किया उहदा बदला लैण वास्ते सब तो पहला हमला 1747 दे विच अबदाली दा आ। और इन्हें जनवरी दे विच 12 जनवरी नूं तकरीबन जनवरी दे महीने जिहड़ा आ इन्हें आके 1747 दे विच लाहौर च पैर पाया और आउंदियां लाहौर की कतलेआम शुरू की। इन्नी कतलेआम एक बंदे उहदे सज्जी बांह जिहनूं कहिंदा सीगा उह सत्कारत बंदा सीगा उहनूं दुख देण दे बदले ते दूजा शाह नवाज दे जुबान तों मुकरन जाण ते बदले अबदाली ने लाहौर च इन्नी कु कतलेआम कीती ते जिहड़े लाहौर दे अमीर वपारी सीगी उह मुड़ के हथ जोड़ के अबदाली अगे आ के खलोते भी साढ़े कोलों गलती हुई सानू माफ़ कर दे, जिन्ने गलती की थी वो ते दिल्ली भज गया साढ़ा की कसूर है। उदों फिर 30 लाख रुपया इन्हां वपारी लोगों ने अमीर लोगों ने अबदाली नूं दिता ते उन्हें कतलेआम बंद फिर कीते। हुण की होया, ये तुरन लगा लाहौर तो दिल्ली वल नूं, तुरन तो पहला अबदाली ने अपने एक नज़दीकी सूबेदार गवर्नर मोमिन खमीर मोमिन खान नूं गवर्नर सूबेदार लाता अते इस दे नाल कुली खान नूं जिहड़ा आ नायब सूबेदार लाता। तीसरा बंदा सी लक्ष्मी राम नारायण, ये नवा ही नाम आया आ जिवें लखपत राय निर्दई ही सिखां दे खिलाफ चलण वाला, इदां लक्ष्मी राम नारायण सीगा। एक गल मैं तुहानूं दस्सां, जिहड़ी मुस्लिम जां मुगल सरकार आ ना जिहड़ी सल्तनत सीगी इह अपने नाल एक अद्धा हिंदू बंदा जरूर रखदे सी, जिवें वजीर खां दा सुचा आनंद सीगा ते इदां जकरिया खां जइया खां दा लखपत राय सीगा। अबदाली ने जिहड़ा सूबेदार थापिया वह हिंदू लक्ष्मी राम नारायण थापिया, कारण की सीगा?
कारण ये भी ये बंदे टाउट सीगे ते सिखा दा सारा भेत जानते ये टाउटगिरी वाला काम करते करके इन्हों ना रखते और इन्हों बड़िया शौहरत मिलदियां सी। और इस तो बाद अबदाली होना दिल्ली नू चलता है तो जो अजय याद रखना उदो दिल्ली ते लाहौर का जिहड़ा मेन रोड सड़क सी ना उदों मत्ते दी सरां लागों निकलदा लंघदा सीगा तरन तारण लागों वह मेन रोड सीगा वह अजय लाहौर तो चल के मत्ते दी सरां ते पहुंचिया ते सिंघां नू घेर लिया अबदाली नू पहली वार जिहड़ा 30 लाख लाहौर तो लैके आया सी सारा खोलिया ते सिंघ उत्थों लैके खो के इहदे कोल फिर इत्थों कलानौर नू चले जांदे पर इन्हें सिंघां नाल मुकाबला नहीं किया क्योंकि यह नादर शाह नाल आ चुका सी ते सिंघां दे हाथ वेख चुका सी पर इहनू भी इस गल दा जे अंदाजा सी कि मैं पहली वारी आया तो जिहड़े मेरी फौज है जिहड़े मेरे सिपाही ने वह इन्हां बारे अजे नहीं जाणदे ते इन्हां नू मैं दसांगा भी इह वी कोई कौम है जिन्हां साडा राह रोकणा आ पहली वार मतलब कि मार खाणी आया एक तजर्बा करन आया सी पहली वार ते लाहौर जान लाहौर तो तुरया इतों मार खाधी फिर भी हटिया नहीं दिल्ली तुर पैंदा है पानीपत दे लागे थोड़ा जिहा गां जाके उत्थे कमरुद्दीन अपनी फौज लैके इहदा मुकाबला करन आया पर इहदी फौज अगे उह टेक ना सकिया जिहड़ा कमरुद्दीन सीगा उह टेक ना सकिया भज गया अखीर दिल्ली जा के निवास करदा है। पर होया इस तरह ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੁਦੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਰੁਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਰ ਮਯੂਨਦੀਨ ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹੈ ਮੀਰ ਮਯੂਨਦੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हुण इहने की कीता वी इहनू पता सी कि मेरा अबदाली दा जे मुकाबला कर सकता है तो मेरा प्यो कर सकता है बादशाह पता क्यों नहीं कर सकता बादशाह दा नां सी मुहम्मद शाह रंगीला ते इह रंग रलियां विच मस्त सीगा शराब नशे च मस्त सी इहनू पता नहीं किहड़ा मर गया किहड़ा किहड़ा जाया ते जाड़ी सारा जिहड़ी दिल्ली दे तखत दी वागडोर सी उह कमरुद्दीन दे हत्थ विच सीगी जिहड़ा सारा नाम रंगीले दा चलदा सी ते कम सारे कमरुद्दीन ही करदा सीगा उदे करके हुंदा है अबदाली हमला करदा अबदाली दा एक गोला वजदा है नमाज पढ़दे कमरुद्दीन दी मौत हो जांदी है पर उदा पुत्र बड़ा चलाक सी जिहड़ा मीर मन्नू है उहने अपने मरे हुए प्यो दी लाश नू हाथी ते बन इस तरह दित्ता भी इंज लगे भी जिवें फौज दी गवाही इह कर रहा मरे हुए बंदे धौण सिद्धी करके उहने मगर डंडा पा के बन दित्ती भी बैठा बंदा इंज लगे भी जिवें जिउंदा है ते अगवाई करदा है फौज दी मीर मन्नू उन्हें हाथी उत्ते बिठा के हाथी फौ सैना वाल नू तोर दिता उधरों दूजा गोला अबदाली फिर अबदाली की फौल वजो चलता है पर वह तोप जिहड़ी सी कुदरती उहदा मूँह घूम जाता तो जिहड़ा गोला सीगा तोप का इहदी अपने बरूद चल जाता है अबदाली दे अपने बरूद उत्ते गोला चलिया जिहदे करके अपनी बड़ी फौज जिहड़ी आ उह मर जाती है इंज कह लैंदे आ भी इहदी सुक्की दी सुक्की हार होगी ते जिहड़ा मीर मन्नू उहदी उवें जित होगी जिहड़ा मुहम्मद शाह रंगीला उहनू इंज लगा भी जे मैं नादर शाह वेले इन्हां दी मदद लई हुंदी ते कदे मैं नादर शाह को मार ना खांदा जे अबदाली आया पहली बार चढ़ के ते अबदाली दा मूँह मीर मन्नू ने मोड़ दिता हैरान हो गया रंगीला अबदाली उत्थों पछां भज्जा सोच के ते आस जित के तख्त ते बैठांगा पर हार खा के पहली बार क्योंकि पहली बार आ तजर्बा ही करना है एक साथ पहली बार उन्हें मार ही खाधी है। हुण मीर मन्नू दा अब रंगीले दे सामने रुतबा बड़ा उच्चा हो गया उन्होंने लाहौर ते मुल्तान दा गवर्नर बनाता जिदे करके मीर मन्नू लाहौर आ गया ते मुड़ के हुण जिहड़ा मीर मन्नू सी लाहौर च की करदा अगे जिक्र करांगे। हुण इस तो बाद जो दिल्ली दिल्लियों अबदाली कुटमार खा के वापस मुड़ रहा है ये इतों पंजाब जिहड़ा पंजाब चनाब का दरिया सीगा इतों इनू घेर लैंदा सरदार चढ़त सिंह घेर लैंदा है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दादा उहनू बड़ा कुटदा है इहदी फौज नू भावकी सिंघां नाल हल्ला बोलिया
ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆ ਸਿੰਧ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਫੌਜਦਾਰ ਥਾਪ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਨੌਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸਲਾਬਤ ਖਾਂ ਥਾਪ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਲਾਬਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਲਾਬਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਾਬਤ ਖਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੜੀ ਗਹਿਗਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬਤ ਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੋਧੀਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਰਮਾ ਛੀਨਾ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹੁਣ 1746 ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਤ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾ ਛੀਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾ ਛੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਕਿਲੇ ਵਰਗੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਇਸਤਰੀ ਧੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਊਟ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਗੁਰਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾ ਛੀਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹ ਲਲਕਾਰਦਾ ਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਵੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਆ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਢਾਏ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਢਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਇਹਦਾ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਮੇ ਛੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਓਨੀ ਫੁਰਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
पर कह लगे उन्हें एक वार का मौका दिता, दूजी वार उन्हें आख्या भी हुण मेरी वारी पई। कह लगे दूजा वार कमाल दी, उन्हें वार इन्हें वार किया या बड़ी जो तलवार का सुखा सिंह ने ढाल से वार लैके बड़ी फुरती दे नाल ऐसा वार करिया भी करमा शीना जिहड़ा आ उन्हें खब्बे मोढ़े तो लैके सज्जी वखी तक चीर के रख दिता है। मौका नहीं दिता भी उन्हें संभालण का। यह मरिया ये नाल कई जे टाउट होर सी उन्होंने कन्न हो गए सारे भी सिंघां दा हुण मूँह साढ़े हल जे ये सारे हुण कोई दिल्ली नूं भज्जा फिरदा कि लाहौर नूं भज्जा फिरदा भी हुण अपनी जान बचाईए भी सिंघां ने हुण टाउट सोधने शुरू किए। उदों फिर ये सुखा सिंह सोध के वापस अमृतसर आउंदा। उदों विसाखी आ चुकी सी, याद रखना हुण समा गुजर चुका सी। ते समा 1747 दा सीगा, मार्च दा महीना। ते 1747 दे करीब विसाखी दे उत्ते एक सरबत खालसा होया, सारी सिख कौम कट्ठी होई। उदों याद रखना इन्हां ने खालसा फौज जो कट्ठी कीती ना, नवाब कपूर सिंह ने भरे खालसे अमृतसर के दरबार में श्री अकाल तख्त साहिब इकट्ठ होया सीगा। उत्थे फिर नवाब कपूर सिंह ने सारे खालसा पंथ की वागडोर जिम्मेवारी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के हवाले कर दिती। 63 जथे बन चुके, क्योंकि आप जिक्र कर चुके हैं भी पहला 30 जथे बने, पहला 11 बने, फिर 30 बने। सिंह खालसे की फौज च वाधा हुंदा जा रहा सी, ते जथे वध तो वध बनते जा रहे सी, जिदे करके मुश्किल जथियां विच भी आउंदी सी। उन्होंने सारे 63 दे जथे तोड़ के उदों फिर जिहड़ियां ने ओह मिसलां तैयार कीतियां गई। हुण समां आउंदा है जिहड़ियां मिसलां बनदियां इहनां ऐवें नहीं सी बन गईयां। 1748 के करीब जाके बनिया सीगियां, पहलां गुरमते होंदे रहे, विचारां होईयां। बड़ी प्यारी पंथ प्रकाश दी विचार है। पंथ प्रकाश कहिंदा वी उदों हरिमंदर साहब के अंदर कथा आउंदी सी, इह लिखदा हरिमंदर सो सुने हरिमंदर बह बैठ हरिमंदर सुने सो ज्ञाना, गुर चरणन पर लावे त्याना, अकाल बुंगे चढ़ तखते बह रल मिल सब मते मतै है। कहिंदा पहला हरिमंदर साहब च बैठ के एक गुरु का ज्ञान सरवण कर दे, फिर कीर्तन च ध्यान लगाउंदे, फिर कहिंदा अकाल तख्त साहब आठ के बैठ के सारे मते पकाए जांदे सी, गुरमते होंदे सी। उन्हां गुरमतियां तो बाद एक गल कमाल दी है भी जे 63 जथे ने, मतलब एक एक जथे च 100-100 सिंघ आ, जे 63 जथे ने, इन्नी फौज इन्नी खालसा फौज उत्थे कट्ठी है, पर किसी च कोई इहो जिहा भेदभाव नहीं सी कि मैं छोटा ते उह वड्डा। पर सारिआं विच इक गल दा बड़ा प्यार सी कि जो आगू जी, जो नवाब जी जां खालसा जी हुक्म कर लैणे आगू जथेदार साहब, उहनूं सिर मत्थे मन्निआ जांदा सी। उदों फिर नवाब कपूर सिंह ने जब 63 जथे तोड़ के ते मिसलां तैयार कीतियां, मिसलां उदां 11 ने पर बहुते ज़्यादातर 12 भी मनदे ने, किवें मैं जिक्र कर दिना। पहली मिसल बनाई गई सर, क्योंकि उदों सारी जिहड़ी सुपुरदगी सी जिम्मेवारी सी जस्सा सिंह आलूवालिया नूं सौंप दित्ती गई। पहली मिसल सरदार बनाई आलूवालिया, उहदा आगू बनिया जस्सा सिंह आलूवाले। दूजी मिसल फैजलपुरिया, उहदा आगू सरदार नवाब कपूर सिंह। तीजी मिसल भंगी मिसल, उहदा आगू सरदार हरी सिंह। चौथी मिसल डल्लेवालिया, उहदा सी मिसल आगू सरदार गुलाब सिंह जी। फिर आउंदी है भंगे कन्हैया मिसल, उहदा सी आगू जय सिंह कन्हैया। फिर नकई मिसल, उहदा सी हरी सिंह हीरा सिंह नकई। फिर उस तो बाद डल्ले गुलाब सिंह, डल्लेवालिया गुलाब सिंह। फिर संधा वालिया आउंदी आ नंद सिंह, संधा वालिया दा सी दसौंदा सिंह, नंद सिंह संघाणिया मिसल। इहदा नाल नंद संघाणिया मिसल बनी, इहदा आगू नंद सिंह संघाणा बना। फिर शुकर चकिया बनी, शुकर चकिया मिसल दा आगू बाबा नोह सिंह बनिया। फिर शहीदा मिसल बनी, इहदा आगू बाबा दीप सिंह बनिया। इस तरह मिसल शब्द का की अर्थ है? मिसल का अर्थ है एक फाइल, एक पेपर, एक कागज़ जिहदे च हर एक मिसल दे सारे एक हिसाब किताब लिखे होंदे सी कि इस मिसल च किन्ने सिंघ ने, इन्हां दा किन्ना खर्चा आउंदा, इन्हां दी किन्नी आमदनी हुंदी है, ये सब कुछ रिकॉर्ड जिहड़ा आ ओह श्री अकाल तख्त साहिब पिया हुंदा सी।
हर एक छे महीने बाद सरबत खालसा हुंदा सी। उस सरबत खालसे विच आके इत्थे जिहड़ा सी सारा हिसाब किताब हर एक मिसल दा कीता जांदा सी। ते इह वी जिहड़ी खुल सी वी अगर जे कोई जे सिंघ अपनी मिसल बदलना चाहुंदा होवे तां उह बदल सकदा आ। ते दस के जथेदार साहब नूं मिसल च बढ़ती होना पैंदा सीगा। ते एक गल बड़ी कमाल दी सीगी, नवाब कपूर सिंह ने एक बड़े कमाल दा फैसला सुनाया मिसलां तों बाद वी अगर जे कोई कौम दा मसला होवे किसे प्रकार दा झगड़े दा आपसी मतभेद दा तां उत्थे दल खालसा मिले सरबत खालसा, दल खालसा जिहड़ा आ उहदा बैठ के फैसला करेगा। अगर दल खालसे च उह फैसला ना हो सकिया तां उस वेले आखरी फैसला जस्सा सिंह आलूवालिए दा होया करेगा, उही जो कह देगा उह मन्निया जाया करेगा। सारिआं सत करके कहा इह इस तरहां दे कुछ असूल बनाए गए। ते इन्हां मिसलां ने मुड़ के आपू अपने थाओं थाई जाके टिकाने मन ले, थाओं थाई जिवें बाबा दीप सिंह जाके मालवे बठिंडे बैठ गए सीगे वी गुर इन्हां मिसलां दा काम सी कि इक ते दुश्मन तो सुचेत रहना ते कौम नूं बचाउणा, नाले गुरु धामां दी सांभ संभाल करनी। बाबा दीप सिंह उत्थे बैठ गए कि गुरु धामां दी सांभ संभाल जिम्मेवारी वास सिंह जिहड़े सी मिसल शहीदां च सिंह थाओं थाई भेज दित्ते सीगे। इहदा शुकर चक्कीआ मिसल जिहड़ी सीगी इह इधर चनाब वाले पासे बैठ गई, पिशावर जाके बैठ गई। इसे तरह ही वख वख मिसलां ने आपो अपने थां बनाए। जिहड़ी मिसल बारहवीं मनदे ने आला सिंह दी मिसल, इहदे बारे कह के समाप्ति कर दिंदा। कहिंदे ने जिहड़ा आला सिंह सी इहदा शब्द जिहड़ा पहलां असीं पढ़दे हां विचारदे हां ना, उदों ये जिहड़ा स्थान सीगा उहनूं पट्टी आला सिंह दी कहिंदे सी वी आला सिंह दी ये पट्टी है। जिवें अपने तरन तारण दे लागे इलाके च पट्टी शहर है ना, इसे तरह ही वह इलाका एक पट्टी करके वजदा सीगा। पर उत्थे आला सिंह दा राज होण करके उहनूं आला सिंह दी पट्टी कहिंदे सीगे। बाद च उहदा शब्द ना बदलने आया वी पट्टी आला सिंह, ते मुड़ के उहनूं शब्दाव नूं छोटा कर दिता गया वी पटियाला बन गया सीगा, पट्टी आला सिंह तो पटियाला बनिया सीगा। इसे तरह ही वह जिहड़ा पटियाला सिंह दी जिहड़ी मिसल सीगी वह सिंघां दी तां माया दे पक्षों मदद जरूर करदी सी, पर किसी भी जंग विच उस मिसल ने कदे हिस्सा नहीं लिया, कदे भाग नहीं सी लिया। इस करके ज़्यादातर 11 मिसलां मन्नियां गईयां ने जिहड़ियां जूझदियां सी ते अपने फर्ज पछाणदियां सी। इस तो बाद हुण अबदाली ने अगला हमला करना है ते मीर मन्नू लाहौर आके बैठदा, वह की करदा कल दे दीवान अंदर विचारांगे। भुल्लां दी खिमा बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।